दस बजे के टाइम थे बच्चा पढ़ने को दिया से पढ़ने गया चल गया तकते तकते इसका मामा के नहीं, 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 नहीं। मामा के कहे से बउआ नो खोजने लगा नहीं बच्चा है सब जगह पूरे रिश्तेदारी में जहाँ आसपास के गांव हाजीपुर लालगंज भगवानपुर पूरा छान मारे कहीं बच्चा का कोई पता नहीं मिला हम लोग अपना तरफ से पूरा किए यहाँ तक पटना तक भी जाके खोजे किए लेकिन बच्चा का कुछ पता नहीं चला अभी तो सर शक तो नहीं है फिर भी ऐसा माहौल बना हुआ है सर कि हर आदमी और घर का हर सदस्य ऐसा हुआ है कि कभी भी किसी भी समय भी कुछ भी अनहोनी घर में हो सकता है प्रशासनिक लापरवाही है इसमें जिस तरीके से उनको संज्ञान लेना चाहिए अभी तक कहीं से दिखा नहीं है कल प्रशासन से हमारी बात हुई थी सुनील सर से उन्होंने बोला था कि इस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ से अच्छा पहल दिखा नहीं है ग्यारह सितम्बर का एक बच्चा घर से कोचिंग के लिए निकलता है आज इक्कीस दिन हो गए हैं बच्चा वापस घर लौट के नहीं आया है घर वालों को अनहोनी की आशंका है लेकिन पुलिस के पास लोग जाते हैं तो पुलिस कहती है कि अबोध बच्चा नहीं है वापस लौट आएगा लोगों का आरोप है कि पुलिस अभी जिस ढंग से मदद कर सकती थी अभी तक नहीं कर पाई है नमस्कार गांव तक तो बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ सुबोध सिंह कैमरे के पीछे प्रशांत है हम अभी शर्मा गांव में है और इसी गांव का एक जो बच्चा है बच्चे की माँ है बगल में इनकी जो बेटा है वो ग्यारह सितंबर को कोचिंग के लिए निकला था अभी तक तो वापस लौट के नहीं आया इन है इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला अभिषेक मेरा बेटा का नाम है। बेटा का नाम अभिषेक हुआ उम्र कितना है ये चौदह साल का है साल क्या हुआ था उस दिन ग्यारह सितंबर को क्या हुआ उस दिन सितंबर को सुबह दस बजे वो नानी के बोल के गए से नानी हम कोचिंग के लिए नोटबुक बुक लिए बोली। जा रहे है नोटबुक के लिए जा रहे हैं कोचिंग के लिए लेकिन नोट बुक लेके वो दो बजे तक नहीं आया था घर के मामा लोग उसको खोजने गए तो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला मतलब कहाँ गया होगा तो पता नहीं जो कहाँ गया वो गायब हो गया कि कोई ले गया कि अभी तक कोई खबर नहीं है पुलिस के पास में गए थे हाँ पुलिस के पास में गए थे अथी भी करवाए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं है पुलिस जांच करने के लिए आई एक ही दिन आई थी उसके बाद में नहीं आई थी आप लोग पुलिस थे, पुलिस क्या बोल रही है? वो बोल रही रही वो छोटा बच्चा नहीं है जो आप लोग अति धर्ज धारण कीजिए रहिए वो आ जाएगा कहीं गया होगा तो चला आएगा लेकिन अभी तक तो मेरा बच्चा का कोई पता नहीं है अच्छा बीस बी इक्कीस दिन हो गए बच्चा गायब है तो कोई शक तो होगा आप को कोई आसंघ कि कहाँ गया बच्चा कोई कोई कहीं से कोई संपर्क करने की कोशिश किया कोई नहीं अभी तो कोई ऐसा तो आदमी नहीं शक में आ रहा है जिसको हम कह सकते हैं सक, लेकिन फिर भी बच्चा गया से कहाँ गया ये तो सर पुलिस के काम नहीं है बच्चा को खोज के निकालना चाहे अति करना अच्छा बच्चा के साथ में कुछ घर में कुछ झगड़ा लड़ाई या कुछ और भी कोई वजह नहीं कुछ भी नहीं हुआ था बच्चा के साथ में कुछ भी नहीं हुआ था नहीं नहीं। बच्चा घर से कोचिंग के लिए हाँ। बच्चा घर से कोचिंग के लिए निकलता है और उसके बाद गायब हो जाता है घर वालों का कहना है कि बच्चे की माँ का कहना है कि घर में बहुत कोई ऐसा भी बात नहीं हुआ था कि बच्चा घर से कहीं चला जाए और वापस लौट के ना आए और पुलिस जो है इक्कीस दिनों के अंदर में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे जाँच के लिए आई है उसके बाद दोबारा पुलिस ने यह दर्शन नहीं दिया है पुलिस का कहना है कि अबोध बच्चा नहीं है कि कहीं चला गया होगा वो आ, समझदार बच्चा है चौदह साल का बच्चा है तो वो वापस आ जाना चाहिए खैर काम पुलिस का ही है बच्चे की नानी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कहाँ गया होगा बच्चा बच्चा अभिषेक नाम है ना? हाँ। कहाँ गया होगा अभिषेक तेज बोलिएगा दस बजे के टाइम थे बच्चा पढ़ने को दिया से चल गया वो आपस ना पैरा तकते तकते इसका मामा के रोइए नहीं रोइए नहीं मामा के कहे से बउवा न तो ये खोजने लगा नहीं बच्चा है यानी बच्चा के इंतजार में अनहोनी की आशंका है इसलिए भावुक होना स्वाभाविक बात है बच्चे के मामी हैं उनसे बात करते हैं उस दिन मतलब घर का क्या माहौल था घर से जब निकला था तो क्या कह के निकला था? घर से कह के ये निकला था हम कोचिंग जा रहे नोटबुक के लिए और फिर वो वापस नहीं आया वापस नहीं है नहीं। तो मतलब क्या कहीं किसी के मतलब कहीं गया कहाँ होगा क्या कुछ कोई शक नहीं है आप लोगों को वो तो कोचिंग घर से निकला कोचिंग कहने कह के आपका उसके बाद वो वापस नहीं आया कोचिंग से आप लोगों ने कहा जो सगे संबंधी है या जहाँ आप लोग लग रहा होगा कहीं जा सकता है खोजबीन किए हैं वहाँ सब जगह पूरे रिश्तेदारी में जहाँ आस पास के गाँव हाजीपुर लालगंज भगवानपुर पूरा छान मारे कहीं बच्चा का कोई पता नहीं मिला हम लोग अपना तरफ से पूरा किए यहाँ तक पटना तक भी जाके खोजे किए लेकिन बच्चा का कुछ पता नहीं चला बच्चे के मामा हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह आप लोग शक है किसी पे अभी तो सर शक तो नहीं है फिर भी ऐसा माहौल बना हुआ है सर कि हर आदमी और घर का हर सदस्य ऐसा हुआ है कि कभी भी किसी भी समय भी कुछ भी होने घर में हो सकता है रह गया सर कि ग्यारह तारीख को जब बच्चा मेरा दस बजे घर से निकला कहा कि हम कोचिंग कोचिंग के लिए नोटबुक के लिए जा रहे हैं उसको बाद तीन बजे हम कोचिंग में गए तो कोचिंग में देख रहे हैं कि मास्टर था और दो बच्चा बैठा हुआ और टीचर बोल रहा है कि नहीं शुक्रवार को मेरा संस्था बंद रहता है फिर इस कह के और उ... शिकायत दर्ज करने के लिए अढ़ाई बजे रात को हम थाना में कंप्लेंट भी दायर किए पुलिस भी एक दिन आयो कि अपना इंक्वायरी करके चले गए उसको बाद में फिर भी, भी संपर्क किए तो कह रहे हैं कि अभी छोटा बच्चा है नहीं कि आप लोग इतना परेशान मत होइए कि बच्चा कहाँ पर गया है वो वापस आ जाए आ जाएगा अभी तक हम लोग भी परेशान में हैं प्रत्येक दिन हर एक जगह भटक रहे हैं बाकी बच्चा का कोई सुराख नहीं मिल रहा है अरे अजीब विड़म्बना है कि इक्कीस दिन हो जाता है पुलिस का रही है बोध बच्चा नहीं है ऐसे काम पुलिस का होता कहीं कोई गायब होता है तो काम पुलिस का होता है क्योंकि पुलिस का एक नेटवर्क होता है पुलिस की टीम होती है जो चावत फैली हुई होती है अब पुलिस चाहेगी तो किसी भी केस को घंटे भर में निपटा सकती है इक्कीस दिन हो गए हैं अभी तक पुलिस का कहना है कि अब बोध बच्चा नहीं है बच्चा खुद ही आएगा और घर वाले घर वाले उसको ढूंढे जो कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस की होती है पुलिस ऐसा क्यों कर रही है सर तो वे ही आने आप तो हम लोग भी कह रहे हैं कि सरितांगा को कुछ अतिथि नहीं मिल जाएगा बच्चा आ, आप आ, मामा है ना जी बड़े मामा हैं पुलिस पुलिस के पास आप लोग गए उसके बाद कभी संपर्क किए हैं जी जब भावुक मत होइए भावुक मत होइए यानी जाहिर सी बात है भावुकता का पल है ही किसी घर के चिराग है वो गैब रहेगा तो संबंधी है घर वाले हैं वो भावुक होंगे लेकिन सबसे बड़ा यहाँ दुखद पहलू पुलिस का अभी तक आ रहा है कि पुलिस अभी तक जो जिम्मेदारी सही से निभाती हुई फेल हो साबित हो रही है साहब पार्टी के नेता कुंदन है साहब पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं आपको क्या लगता है इस मामले में देखिए अभी पिछले बीस दिन से बच्चा लापता है यहाँ तक बीस दिन में एक बार प्रशासन सिर्फ घर पर आई है एक बार पूछताछ करके चली गई अभी तक उसके बाद एक बार भी दर्शन नहीं दिए यहाँ प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल देखी जाएगी क्योंकि 20 दिन से बच्चा लापता है न उसका कहीं से फ़ोन आ रहा है कहाँ पे है कैसे है किस रूप में है ये पता करना प्रशासन का काम है तो तो ए, मेरे पास फ़ोटो दो तीन दिन पहले आया था दिखाइएगा बच्चे का फोटो फोटो भी ऐसे हम आप लोगों को भी इससे ऐसे गुजारिश करेंगे कि इस अगर बच्चा का भी फ़ोटो दिखा रहे हैं बच्चा कहीं अगर दिखे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके इस बच्चे के बारे में कोई अगर कोई आपके पास से जानकारी लगे तो हमसे भी साझा कर सकते हैं और हाँ का पूरा प्रशासनिक लापरवाही है इसमें जिस तरीके से उनको संज्ञान लेना चाहिए अभी तक कहीं से दिखा नहीं है कल प्रशासन से हमारी बात हुई थी सुनील सर से उन्होंने बोला था कि इस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ से अच्छा पहल दिखा नहीं है तो मैं लालगंज थाना प्रभारी सुनील जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस बच्चे की बरामदगी के लिए जो अच्छा सा पहल हो कोशिश करें अच्छा ये तो ठीक है पहल पुलिस को करना ही चाहिए जब बच्चा आपका कोचिंग के लिए निकला था अभी लॉकडाउन लागू है तो आपको मालूम नहीं है कि कोचिंग संस्थान बंद रहता है तो बच्चे को भेजेंगे नहीं एक्स्ट्रा कोचिंग चलाते हैं जो फाइनल एग्जाम आता है तो एक्स्ट्रा कोचिंग चला तो बच्चा उस दिन कोचिंग में गया था हाँ बोल के गया था जो नोटबुक के लिए जा रहे हैं नहीं, नहीं, आप शिक्षक से बात किए हैं कोचिंग में पहुंचा कि नहीं पहुंचा नहीं उस टाइम तो उस यहाँ पर बता के गया था ये स्कूल में जा रहे थे इसीलिए कोई नहीं पूछता चुकी थी उस समय जो स्कूल में जा रहे हैं लेकिन स्कूल में गेले के बाद वो बोले जो नहीं नहीं आया है लेकिन गया था स्कूल में नोटबुक के लिए किसी पे आप लोगों को शक नहीं है अभी नहीं शक तो अभी नहीं है लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है किस रूप में है वो तो प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि नहीं तो अभी तक तो कुछ खबर नहीं है जो बच्चा कहाँ है किस हाल में है जब कुंदन जी पड़ोसी भी हैं बच्चे का बच्चे का स्वभाव चूंकि आप लोग जानते हुए की बच्चे का स्वभाव कैसे देखिए बच्चे का एज चौदह साल का है तो वैसा कुछ है नहीं शांत स्वभाव का बच्चा था पढ़ने वाला लड़का था एकदम से गायब हो जाना है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि कोचिंग सेंटर में जाके वहाँ का टीचर का कहना है कि वहाँ पे आया नहीं है कोचिंग बंद था लेकिन कुछ लोगों ने देखा है कि उस दिन कोचिंग खुला हुआ था तो उनके मामा जी अरविंद जी ही देखे हैं कि कोचिंग खुला हुआ था तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर अच्छे से पहल करके कर कोचिंग के जो भी संस्था के जो भी टीचर हैं जो भी वहाँ के मैनेजर हैं उनसे बातचीत करें उनके बच्चों से बात जो उनका सर्कल का दोस्त था उससे बात करें और पता करने की कोशिश करें कि अच्छा असल में उसके दिमाग में चल के आ रहा था वो कहीं ख़ुद से गया है या किसी ने उसको अगवा किया है ये काम करना प्रशासन का अच्छा आपने बताया अभी तक पुलिस से आप लोग की जानकारी में क्या पुलिस ने अभी किन किन पक्षों से पूछताछ की है इस मामले में सीधा सीधे सर एक दिन आए थे इंक्वायरी करने के लिए तो मेरे साथ में कोचिंग के ले गए कोचिंग से और टीचर से बात किया तो टीचर बोला क्या कि नहीं सर मेरा तो शुक्रवार को कोचिंग बंद रहता है आपके सामने में टीचर से बात हुई थी जी और उसके जिस टाइम हम बच्चा को खोजने के ले गए तीन बज के कुछ मिनट पर उस अच्छा बच्चा घर से अकेले निकला था कि उसके साथ में कोई और आस पड़ोस के कोई बच्चा नहीं सर मेरा बच्चा तो अकेले और नया साइकिल था और एक कॉपी और एक कलम लेके और गमछा लेके गया था अच्छा बच्चा घर से निकला है और कोचिंग सेंटर के बीच में कोई एकांत जगह भी है नहीं वहाँ तो आस पास ही दुकान है और हर एक आदमी का आना जब बच्चा पैदल निकला था या साइकिल से या कुछ और साइकिल से गया था साइकिल मिला नहीं सर अभी न साइकिल का कोई सुराख नहीं मिला है साइकिल का पता नहीं लगा अभी तक सर अभी कहू सुराख नहीं मिला है हम लोग खोजबीन में लगे हुए हैं सर यानी साइकिल सहित बच्चा गायब है और पुलिस का अभी तक ये कहना है कि अब वो तो बच्चा नहीं है कहीं बच्चा खुद गया होगा आना होगा खुद आ जाएगा पुलिस इसमें जब पुलिस की जो भूमिका है वो पुलिस अभी तक निर्वहन करती हुई नहीं दिख रही है पुलिस का साफ करना है कि जो जो होगा बच्चा खुद करेगा या घर वाले खुद करे पुलिस की जिम्मेदारी पुलिस के मुताबिक नहाँ कुछ नहीं बनता है खैर इस माँ के आंसू को आप भी देखिए और पुलिस की यहाँ जो रवैया है उस उसका भी आकलन किया जा सकता है और उसके बाद इस माँ के आंसू को देख के हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि आपको कहीं बच्चे का ट्रेस मिलता है आप आप तो आप हमसे संपर्क कीजिए हम आपकी बात इनके घर वालों तक पहुँचा देंगे और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए